हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ने वाले। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, लंबाई दी हुई मतलब त्रिज्या दी हुई है, इस सुई द्वारा 5 फुट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो 5 फुट में ये कितने डिग्री का कोण बना रही। हम जानते हैं एक सर्कल का मान 360 होता है और यहाँ पर ये मिनट्स की जो काटा एक घंटे में वो 60 मिनट लेती है। तो एक एक घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो मिनट द्वारा बनाया गया कोण 360 अपॉन 60 इंटू 5 मिनट में ही बनाना है। तो 5 6 की टेबल से 36 गए 6 टाइम में, तो 6 5 30, तो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। हमारे पास थीटा हमें पता है 30 डिग्री का है, आर का मान हमें लंबाई पता है 14 सेंटीमीटर है, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हमारे पास 30 डिग्री है, पाई का मान 22/7 हम जानते हैं, आर का मान 14 × 14, 0 से 0 3 की टेबल से 36 गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 7 की टेबल से 14 गया 2 बार में, 2 की टेबल से 12 गया 6 बार में, 6 की टेबल से 22 गया 11 बार में, 2 की टेबल से तो ये 3 आया। तो हम मल्टीप्लाई करते थे, अभी 11 × 14 करने पर 154.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। त्रिज्या हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर है और थीटा का मान समकोण यानी 90 डिग्री है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संगत लघु वृत्तखंड का, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का, हमें क्षेत्रफल निकालना है, पाई का मान 3.14 लेके चलना है। सबसे पहले हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, थीटा हमें 90 डिग्री लेके चलना है, तो त्रिज्याखंड का त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, 360 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 10 यहाँ पर लिख देते हैं, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। सॉल्व करने पर इसे 3.14 या 4 पॉइंट हटाया तो नीचे 2 0, पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो 0 से 0 आंसर, 4 का भाग इसमें देने पर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल 1/2 इंटू फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो 1/2 आर का मान यहाँ पर है OA और OB और साइन 90, तो यहाँ पर 1/2 OA का मान 10 है और OB का मान भी 10 है और साइन 90 का मान होता है 1, इसको सॉल्व करने पर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बराबर लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का मान हमारे पास आया है 78.5 सेंटीमीटर, त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान आया हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस करने पर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले का मान आ गया संगत लघु वृत्तखंड का, अब हम सेकंड निकालेंगे दीर्घ
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे सर्कल का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसको माइनस कर देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ से आया है 78.5, हमने यहाँ पर निकाला था त्रिज्यखंड 90 डिग्री लेके, तो यहाँ पर रखने पर 78.5 ये डायरेक्टली मान रखेंगे। सॉल्व करने पर पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 10 सेंटीमीटर है, पॉइंट हटाया तो नीचे 20 20 से 20 कैंसिल माइनस 78.5। इसे सॉल्व करने पर 314 माइनस 78.5 यहाँ पर घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया।